हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। तो दोस्तों, बम्पर रिक्रूटमेंट निकली है, 10th पास जॉब है, 2023 की एक रिक्रूटमेंट है। 1400 से ज़्यादा वैकेंसीज रहने वाली हैं दोस्तों। सैलरी की बात करें तो 55,000 से ज़्यादा सैलरी रहने वाली है, तो बहुत ही सिक्योर जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। बिल्कुल भी आप में से किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। आई थिंक सबके सब तो 10th पास होंगे ही, और सबको अप्लाई करना चाहिए जो भी इसकी एज क्राइटेरिया में आएंगे। तो बिना आपका वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना आपका वक्त गवाए हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें अगर हम, लास्ट डेट जो ऑनलाइन अप्लाई करने की है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक शुरू होने के 30 दिन तक रहेगी। एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी वालों के लिए 25 साल है। एज रिलैक्सेशन जो है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स रहेगी। कैंडिडेट्स जो है 10th पास होने चाहिए। कुछ 10th पास पहुँचते हैं, कुछ में ITI चाहिए और कुछ में ITI नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हाइट, चेस्ट, ये सब चाहे के जो पैरामीटर्स वो दिए हुए हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली हाइट फैक्टर दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए SC ST आदिवासी के लिए। और कैंडिडेट्स ऑफ हिली एरिया जो हैं, जो हिली एरिया में रहते हैं लेडीज़ फीमेल, उनकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अदर कैंडिडेट्स 157। तो हेड कॉन्स्टेबल मेल की पोस्ट है दोस्तों 1343, और हेड कॉन्स्टेबल फीमेल की पोस्टें हैं 67। तो मैं आपको इसकी नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आपके सामने खुल चुकी है, ये देखिए। तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो ये टोटल जो वैकेंसीज हैं उनकी बाइफर्केशन दी हुई हैं, कौन से जो ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी है दोस्तों। कांस्टेबल, टेलर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब की वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैकेंसीज ऊपर नीचे में डिक्रीज इंक्रीज हो सकती हैं। एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं वो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों, एज जो है 18 से 25 साल लिखी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ध्यान से देखिए, अगर आप कॉन्स्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, अपहोल्स्टर या टिन स्मिथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10th पास होना जरूरी है, और आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है ITI का, ठीक है। और यहाँ पे अगर दूसरी बार, और यहाँ पे जो ITI का सर्टिफिकेट है उसमें इन्होंने यहाँ पे और करके ये दिया है कि आपका 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम ITI इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में। दूसरी बात करें, अगर आप कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली, खोजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। आपको प्रोफेशन मिलकर आप अपने ट्रेड में अच्छे होने चाहिए। आपके लिए क्या होगा, ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, आपको वो ट्रेड टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों, कुक, वाटर कैरियर, वेटर, बचर, तो इनके लिए 10वीं पास जरूरी है। इनके पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का कोर्स किया हुआ होना चाहिए इन्होंने, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से 10th पास में काफ़ी सारी वैकेंसीज ऐसी भी हैं जो जिनमें खाली 10th पास चाहिए और बाकी एक्सपीरियंस चाहिए, और जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आप इसमें अप्लाई ना कर रहे हो, किसी और के काम आ सकती है वीडियो, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ये जो PDF है ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।